दशहरे के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मंगलवार को एसपी ने रावण दहन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शहर के दिगंबर जैन कॉलेज के सी फील्ड में बुधवार को श्री कृष्ण महाराज सनातन धर्म ठाकुर द्वारा के तत्वाधान में रावण दहन किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रावण का विशाल पुतला तैयार कर लिया गया। रावण दहन से पूर्व रामचंद्र जी की सेना शहर के ठाकुर द्वारा मंदिर से चलकर रावण दहन स्थल तक पहुंचेगी। सी फील्ड में छोटा मेला भी लगाया जाएगा। एसपी नीरज कुमार जादौन ने निरीक्षण के दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से भी वार्ता की। एसपी ने कोतवाली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसपी बिनौली पहुंचे, यहां रामलीला मैदान में लगाए रावण के पुतले और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज बिनौली में जो है रावण को दहन को लेकर उसकी जगह का निरीक्षण किया जा रहा, उसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? बागपत जनपद में कितने जगह रावण दहन हो रहे? बागपत जनपद में 12 जगह रावण दहन हो रहा है। इसमें बिनौली थाना क्षेत्र में एक जगह पर है, ग्राउंड था जहाँ का निरीक्षण में करके आए। दिशा निर्देश पर्सनल एडिशन साहब ने दिए थे, उन्हें लेके आया था और सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, ड्यूटीज लग चुकी है, बढ़िया तरीके से रावण दहन होगा। और अन्य 11 जगह का भी निरीक्षण किया जा चुका है, वहाँ भी सारे बंदोबस्त हो चुके हैं, वहाँ भी बढ़िया तरीके से। जैसे ये रावण दहन बिनौली का है सर, इसमें रोड के ऊपर जो है नज़दीक है, रोड को लेकर क्या सुरक्षा इंतजाम किए? इसमें जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी प्लान में रहेगा, साथ ही साथ जो ग्राउंड के पास छतें हैं, जो मकान बने हुए हैं उसमें कुछ जर्जर हालत में भी है, तो वहाँ पे लोगों को चढ़ने से रोका जाएगा, यहाँ पुलिस ड्यूटी लगेगी। धन्यवाद।